महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामदत्तपुर के तत्वावधान में अनुच्छेद 370 अखंड भारत की संकल्पना विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में DVNPG कॉलेज के प्रोफेसर वीणा गोपाल, डॉक्टर शशि प्रभा सिंह, वंदना त्रिपाठी, डॉक्टर उषा सिन्हा, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिंह सहित अन्य शिक्षक व छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद देश में नया सूरज उगा है। कश्मीरी नागरिकों को उनका अधिकार मिला है, जिससे देश के नागरिकों में काफ़ी खुशी और उत्साह है। व्याख्यान माला के संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए MP महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामदत्तपुर की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिंह ने कहा, 2019 को क्या 7 दशक पहले की गई थी उस ऐतिहासिक एक जन के लिए साथ समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा डिसीजन था ये। सब लोगों ने इस घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा होगा कि किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। जब कश्मीर में पहली बार आर्मी को डिप्लॉय किया गया, वहां पर सशस्त्र सैनिक बल भेजे गए, तो भारतीय जनमानस तो कुछ शक हुआ था हम लोगों को भी। जब पहली बार वहाँ पर आर्मी तैनात की गई, जम्मू कश्मीर में 1000 सशस्त्र बल भेजे गए, तो दिमाग में शंका आई थी कि जरूर मोदी जी कुछ करने जा रहे हैं। बनाई थी कि भारतीय जनमानस को समझ में तो आ रहा था, क्योंकि हमें मोदी जी की संकल्प शक्ति पर, उनकी दृढ़ता पर, उनके साहस पर जरा सा भी संदेह नहीं है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो फाइनली ये जो दोनों के बीच जो एक दीवार खड़ी हुई थी, उस दीवार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक झटके के साथ साहसपूर्ण निर्भयतापूर्ण निर्णय लेते हुए उन्होंने उस कलंक को, उस भूल को, ऐतिहासिक भूल को सुधार लिया। और ये जो 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया इस बार का 15 अगस्त 2019, मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा होगा, लेकिन इस बार जब हम 15 अगस्त मना रहे थे तो हमें बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही थी कि एक ऐसा आज हम रियल मायने में आज़ाद हुए। अभी तक हम एक नहीं थे, हमारा एक क्षेत्र ही जो है वो पूरी अलग धारा में बह रहा था और उसका दुष्परिणाम भी लोग भुगत रहे थे कि एक बहुत बड़ा समुदाय विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल कट कर रह गया था और आतंकवाद, अलगाववाद और दहशतगर्दी जैसे अभावों, अभिशापों को वो झेल रहा था। लेकिन इस 15 अगस्त को लगा एक नया सूरज उगा है, नई किरण आशा की है, आगे हमें बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आज अभी तो देखिए राजनाथ सिंह जी ने ये क्या कहा, उन्होंने कहा, अरे ऐसे तालियां बजाकर कहा कि अरे पाकिस्तान से बात अगर करनी है तो पाकिस्तान से बात अब होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, बाल्टिस्तान पर होगी, मैं डॉक्टर सरिता सिंह, प्राचार्य महाराणा प्रताप महिला PG कॉलेज। आज का ये गोष्ठी जो आयोजित किया गया है, ये धारा 370 पे जो है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह कहना भी है कि इसको विद्यालय शिक्षण संस्थाओं में कराया जाए, ताकि हमारे बच्चों को आज हम पिछला हमारा क्या था और आज हम किस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आने वाला कल हमारे लिए कितना अच्छा होगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान उनको हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी का विषय बेसिकली जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, धारा 370 के संदर्भ में है, अखंड भारत की संकल्पना, 370 अखंड भारत की संकल्पना। जैसा कि हम जो आज के पहले महसूस कर रहे थे और आज हम क्या महसूस कर रहे हैं, या आने वाला कल हमारे लिए कितना उज्ज्वल होगा, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस विषय का चयन किया गया है, जिस विषय में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वीणा गोपाल मैम, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, दिग्विजयनाथ PG कॉलेज से मैंने उनको बुलाया है, जिनका उद्बोधन और मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है और हमारी बत्तियाँ इससे गर्वान्वित, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं।